साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दैनिक भास्कर समूह एक सर्वे करवा रहा है प्रभावशाली 25 व्यक्तियों को चुनने का, और जिसका अंतिम दिन आज है। 60 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें IAS, IPS, राजनेता, MLA, सांसद सब शामिल है, लेकिन एक किसान का बेटा उपेन यादव जो मुझे शामिल किया गया है। साथियों मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भास्कर समूह को जिन्होंने मुझे चुना, लेकिन तमाम युवा साथियों से, जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, और तमाम यूट्यूबर जो तमाम मेरा जो यूट्यूब पे फेसबुक पे मैं लाइव आता हूँ उसको उठा के वो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो अपना फ़र्ज निभाए और सभी युवा तक ये वीडियो पहुँचाए, क्योंकि सरकार तक एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि एक सर्वे करवा रहे हैं। यदि मैंने 10 साल जो संघर्ष किया है, युवाओं के लिए लड़ा हूँ, जेल गया हूँ, लाठियाँ खाई है, दिल्ली से लखनऊ गया हूँ, और 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, तमाम कर्मचारियों से भी निवेदन है कि इस सर्वे में उपेन यादव, जब लिंक खोलेंगे भास्कर का जो मेरी फेसबुक पे, ट्विटर पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाइए, वो लिंक उठाइए, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और उस लिंक को खोलिए और उपेन यादव के सामने जाके टिक करके उसको सबमिट करिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सरकार तक एक मैसेज पहुँचाइए कि राजस्थान में उपेन यादव के साथ करोड़ों युवा साथ हैं जो आज भी समर्थन पूरा कर रहे हैं। साथियों मैं मजबूत बनूंगा तो युवा बेरोजगारों की मांगें मजबूत बनेंगी। कि सवाल ये नहीं, सवाल पॉपुलरिटी का नहीं, सवाल युवाओं की मांगों का है, क्यों लगातार 10 साल से संघर्ष मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और उन्हीं युवाओं से, उन्हीं कर्मचारियों से, तमाम उन्हीं लोगों से अपील है, उनको लगता है कि मैं बेहतरीन कार्य कर रहा हूँ, 10 साल में अच्छा काम किया, और विश्वास है कि मैं आगामी भी अच्छा काम करूँगा, तो ही मुझे वोट देना। आपको लगे कि मेरा काम बेकार है और मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ तो वोट मत देना, लेकिन उन सभी युवाओं से अपील है, उन यूट्यूबरों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक वीडियो पूछाए, और आज का समय है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके और सरकार तक मैसेज पूछाए कि उपेन यादव अकेला नहीं, राजस्थान के करोड़ों युवा उनके साथ है, और एक परचम लहराने का सहयोग करें जिससे युवाओं की आवाज़ बुलंद हो सके। धन्यवाद।